नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई अन्य कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सौम्या जल्दी जल्दी ऑफिस का काम निपटा रही थी, क्योंकि आज शाम की बस से उसे अपने गाँव के लिए निकलना था। वैसे तो उसके गाँव तक जाने के लिए ट्रेन की भी सुविधा थी, लेकिन वो ट्रेन दोपहर में निकलती थी, इसलिए सौम्या ने शाम की बस पकड़ने का निर्णय लिया था। बस से गांव पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाते थे। सौम्या आज बड़ी प्रसन्न थी, क्योंकि कल उसकी माँ का जन्मदिन था और वह गांव पहुंचकर अपनी माँ को जन्मदिन का सरप्राइज देना चाहती थी। इसके साथ ही उसने अपनी माँ को गिफ्ट में देने के लिए एक खूबसूरत सी बनारसी साड़ी, अपने छोटे भाई के लिए उसकी मनपसंद कहानियों की संग्रह की किताब और पड़ोस में रहने वाले बलविंदर चाचा के लिए एक शॉल खरीद लिया था। सौम्या के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे, बलविंदर चाचा ही वक्त बेवक्त उन लोगों की मदद कर दिया करते थे। इस तरह सौम्या और बलविंदर चाचा के परिवार के बीच काफी मेल जोल था। सौम्या भी बचपन से ही बलविंदर चाचा के बहुत करीब थी, और जब भी वो शहर से गांव जाती थी तो बलविंदर चाचा के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर जाती थी। सौम्या के गाँव में 10वीं तक ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर आई और उसके बाद पढ़ाई पूरी करते ही उसे अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। वह 1-2 सप्ताह में गांव के चक्कर लगा ही लेती थी, लेकिन इस बार वह बिना किसी को बताए गांव जाकर सबको सरप्राइज देना चाहती थी। सौम्या ऑफिस से निकली तो फटाफट से बस स्टॉप की तरफ भागी। वह एक बैग में सारा सामान पैक करके ऑफिस लेकर आ गई थी, ताकि ऑफिस से निकलते ही वो सीधे बस पकड़ने के लिए निकल जाए, इससे उसका समय भी बच जाएगा। बस स्टॉप के बाहर एक ढाबे पर उसने गर्मा गर्म चाय पी। इसके साथ ही उसने रात का खाना भी पैक करवा लिया था, क्योंकि बस जिस रूट से गांव जाती थी उस रास्ते पर खाने पीने की कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। सौम्या ढाबे से चलती हुई सीधे बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी, तभी अचानक उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ी। उसके घुटनों में हल्की सी चोट आई थी। अगल बगल के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आ गए। उसने भी खुद को संभालते हुए अपना सामान समेटा और उठ खड़ी हुई। उसके घुटने में हल्का सा दर्द हो रहा था। तब तक उसकी नजर अपने मोबाइल पर पड़ी। वह जमीन पर जोर से गिर पड़ा था। उसने लपक कर मोबाइल उठाया तो उसने देखा कि उसका मोबाइल बंद हो गया है। उसने मोबाइल ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसने झुंझलाकर मोबाइल को पर्स में डाल दिया और बुझे मन से आगे बढ़ने लगी। वो सोचने लगी कि यह सब क्या हो गया, पता नहीं मोबाइल रिपेयर करवाने में कितना खर्चा आएगा। वो बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में बस भी आ गई। बस में बैठकर सौम्या ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे विंडो सीट मिली थी। जब बस चल पड़ी तो खिड़की से आती हुई ठंडी हवाओं ने उसके मन को तरोताजा कर दिया। बस में उसके फेवरेट पुराने गाने बज रहे थे तो उसका मन थोड़ा हल्का हो गया था। वह अपने मनपसंद संगीत का आनंद लेते हुए बाहर के दृश्य देख रही थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और अंधकार छाने लगा था। बीच बीच में सवारियों को चढ़ाने उतारने के लिए बस कई बार रुक रही थी। सौम्या झुंझला जाती थी कि इस तरह तो गांव पहुंचने में और भी रात हो जाएगी। रात के 9 बज चुके थे। अचानक से बस एक तेज आवाज के साथ रुक गई। सभी यात्री चौंक गए। ड्राइवर और कंडक्टर ने नीचे उतर कर देखा तो कहने लगे कि बस में कुछ खराबी आ गई है, इसे रिपेयर करने में थोड़ा समय लगेगा। सौम्या बुदबुदा उठी। ओफो, पहले ही इतनी देर हो गई है और अब ये सब। पहले मेरा मोबाइल खराब हुआ और अब बस भी। हे भगवान, ये हो क्या रहा है। देखते ही देखते उस सुनसान सड़क पर 1 घंटे बीत चुके थे। इसी बीच सौम्या को भूख लगाई थी। उसने अपने खाने के पैकेट को निकाला और खाने लगी। कुछ यात्री भी खाना खाते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ उत्साही यात्री नीचे उतर कर ड्राइवर से बातें कर रहे थे। कुछ ऐसे ही बेवजह सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। सौम्या खाना खाकर चुपचाप बैठी हुई थी और बस के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि बस से उतरने के बाद भी उसे लगभग आधे घंटे तक पैदल चलकर जाना होता था और वो रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। लेकिन सरप्राइज देने के चक्कर में आज उसे उस रास्ते पर अकेले ही जाना था। थोड़ी ही देर में बस ठीक हो गई और आगे चल पड़ी। रात के 10:30 बजे सौम्या बस से उतरी और भगवान का नाम लेती हुई सुनसान सड़क पर अकेले ही बढ़ने लगी।
रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक घने घने वृक्ष और पेड़ पौधों के जंगल थे। जंगली जानवरों का डर तो था ही, इसके साथ ही लोग उन जंगलों में भूत प्रेत होने की बातें भी किया करते थे। हालांकि सौम्या को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अकेले में तो कोई भी इंसान ऐसे माहौल में घबरा जाता है। सौम्या की भी हालत खराब हो रही थी। हालांकि सड़क के किनारे थोड़ी थोड़ी दूर पर मध्यम पीली रोशनी से स्ट्रीट लाइट अंधेरी सड़क को रोशन किए हुए थे, लेकिन रात के उस गहन अंधकार के आगे वो हल्की सी पीली रोशनी दम तोड़ रही थी। उसे रात के सन्नाटे में पत्तों की सरसराहट से भी डर लगने लगा था। कभी उसे लगता जैसे किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है, तो कभी लगता जैसे कोई बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा हो। कभी उसे लगता कि किसी के पायल की छमछम की आवाज आ रही है। सौम्या का गला डर के मारे सूखने लगा था। उसके होठों पर लग रहा था जैसे सैकड़ों कटीली झाड़ियां उग गई हों। उसके पैर कांप रहे थे और हाथ पांव बर्फ से ठंडे हो गए थे। तभी उसे पीपल के घने वृक्ष के ऊपर एक सफेद साया दिखाई दिया। वह सन्न रह गई। उसका दिल धक से रह गया और उसके रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन की लहर दौड़ गई। उसकी जुबान उसकी तालू से चिपक गई थी। उसके कदम जैसे आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो इस माहौल से जल्दी निकल जाने के लिए अपना पूरा प्रयास लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे लगा कि उसके कानों से हवा का एक झोंका टकराया हो, जैसे कोई उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा हो। उसने घबरा कर पलट कर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। अंधेरे में चमकते हुए जुगनुओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से अपनी चमकीली डरावनी आंखों से उसे घूर रहा हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। सुनसान सड़क पर अंधेरी रात में वो घबराई हुई सी तेज कदमों से भागती जा रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो बलविंदर चाचा उसके बिल्कुल पास थे। वो उन्हें देखकर चौंक गई। उसके चाचा अजीब तरीके से मुस्कुराए और आगे बढ़कर उन्होंने सौम्या के खूबसूरत चेहरे पर उभर आई पसीने की बूंदों को देखते हुए कहा, अरे सौम्या, तुम इतनी घबराई हुई से क्यों हो और इतनी रात को तुम यहाँ इस तरह अकेली क्या कर रही हो? चाचा जी को देखकर सौम्या के भय से कांपते पैर थोड़े सामान्य हो चले थे। उसने अपने सूखे होठों को जुबान से तर करते हुए धीरे से कहा, वो चाचा जी कल माँ का जन्मदिन है ना, तो मैं उन्हें सरप्राइज देने के लिए आ गई। रास्ते में बस खराब हो गई थी इसीलिए थोड़ी देर हो गई। बलविंदर जी बोले, अच्छा अच्छा बिटिया, तुम तो सभी का कितना ध्यान रखती हो, जुग जुग जीती रहो। सौम्या मुस्कुरा पड़ी। चाचा उससे हालचाल पूछने लगे। बातों ही बातों में सौम्या की घबराहट गायब हो गई थी। तभी सौम्या को अचानक कुछ याद आया और वो पूछ बैठी, चाचा जी आप इतनी रात को यहाँ क्या करने आए थे? बलविंदर जी के कदम थम गए। वो गौर से सौम्या की आंखों में झांकते हुए बोले, क्यों, क्या तुम मुझे यहाँ पाकर खुश नहीं हुई? सौम्या भी रुक कर उन्हें देखने लगी। चाचा जी की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया था। उनकी बूढ़ी आंखें बहुत उदास और खाली दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में अजीब से भाव देखकर न जाने क्यों सौम्या सिहर उठी। चाचा जी ने अगले ही पल हंसते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो बिटिया, वो तुम डर रही थी ना, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए चला आया। अब चलो, जल्दी से घर चलो, बहुत देर हो गई है, मुझे भी जाने की जल्दी है। सौम्या को चाचा का ऐसा जवाब कुछ अटपटा सा लगा। वो खामोशी से आगे बढ़ने लगी और चाचा भी उसके साथ चलने लगे। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही सौम्या ने देखा कि सभी लोग दरवाजा बंद करके सो रहे थे। गांव में बिल्कुल सन्नाटा था। कहीं कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। सौम्या जैसे ही अपने घर के आगे पहुंची, उसने जल्दी से अपने घर का दरवाजा खटखटा दिया। उसने पीछे पलटते हुए कहा, चाचा जी, लेकिन उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं था। वो हैरानी से इधर उधर देखते हुए चाचा चाचा पुकारने लगी। तभी सौम्या की माँ ने घर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने की आवाज से सौम्या ने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। माँ को देखकर वो झट से जाकर माँ के गले लग गई और उनके पैर छुए। सौम्या की माँ हैरानी से बोली, सौम्या तू यहाँ कैसे आई और मैं कब से तुझे फोन लगा रही हूँ, तेरा फोन बंद क्यों आ रहा है? मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है तुझे। सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे माँ, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो बस तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आ गई। वो क्या हुआ ना कि रास्ते में मेरा मोबाइल फोन गिर गया और उसमें कुछ खराबी आ गई, तब से वह बंद पड़ा है, इसीलिए फोन नहीं लग रहा होगा। सौम्या की माँ बोली, चलो तुम पहले अंदर आओ। सौम्या ने अंदर आकर चारपाई के बगल में सामान रख दिया और चारपाई पर बैठकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ माँ, अब बताओ
क्या जरूरी बात बतानी है तुम्हें? सौम्या की माँ ने गंभीर स्वर में कहा। देख बेटी, मुझे पता है कि तू यह खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाएगी। तू थकी हारी आई है, चल पहले कुछ नाश्ता पानी कर ले। लेकिन सौम्या ये बात सुनते ही बेचैन हो उठी। वो कहा मानने वाली थी, वो जोर देकर पूछने लगी, नहीं माँ, पहले बताओ कि बात क्या है? सौम्या की माँ ने उदास स्वर में कहा। बात यह है सौम्या कि आज शाम को ही हृदय गति रुक जाने के कारण तुम्हारे बलविंदर चाचा जी का देहांत हो गया है। तभी से मैं तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन तो बंद आ रहा था। माँ की बात सुनकर सौम्या हैरानी के मारे सन्न रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह हकलाते हुए बोली, क्या ये क्या कह रही हो तुम माँ? बलविंदर चाचा तो अभी मेरे साथ ही घर तक आए थे। सुनसान रास्ते में मुझे बहुत डर लग रहा था, तो वह मुझे रास्ते में मिले और वो बातें करते हुए मुझे घर तक छोड़ गए। सौम्या की बात सुनकर उसकी माँ हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। उनके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। सौम्या का भी कुछ यही हाल था। उसकी माँ की आंखों से निर्झर नीर बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा कि सौम्या, यह कैसे संभव हो सकता है? सौम्या माँ के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, माँ यह सब क्या हो गया? मैं तो चाचा जी के लिए शहर से शॉल लेकर आई थी। मैं तो उन्हें उनका उपहार नहीं दे सकी, लेकिन वह जरूर मुझसे अंतिम भेंट करने आ गए और अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने मेरी रक्षा की और मुझे घर तक सुरक्षित छोड़ गए। दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी थी। सौम्या को चाचा जी की वो बात याद आ गई कि मुझे जाने की जल्दी है। सौम्या रोते हुए मन ही मन बलविंदर चाचा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।